तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी एडवांस एक्सेल में फॉर्मूले के पार्ट। और हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में इफ के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि इफ कैसे परफॉर्म करता है, और आज हम बात करेंगे इफ के साथ मल्टीपल कंडीशन जैसे एंड और वगैरह कैसे लगाया जाए, इसके लिए हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मनोज जी और अमनायक जी मेरे साथ हैं, तो हम बात कर रहे हैं मल्टीपल कंडीशंस की। मान लीजिए कि दो कंडीशंस है, मान लीजिए कि इसमें आए कि मुझे 85 टू 95 आए तो मुझे 800 शो करना है अमाउंट यहाँ। तो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। अब एक इफ जो है एक ही कंडीशन लेता है, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे मुझे पास दो कंडीशन है, दोनों बिटवीन है, मतलब कि रिक्वायर कंडीशन है, बिटवीन कंडीशन है, तो मैं यहाँ पे एक एंड का फॉर्मूला अपनाऊंगा। अब एंड फॉर्मूला को इंडिविजुअली सीखे क्या करता है कि एंड हम इसके अंदर एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं कि इज ग्रेटर देन इक्वल टू 95, और फिर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया कि लेस देन इक्वल टू 85 एंड 95 हमने यहाँ पे डाल दिया। 85 हमने यहाँ पे डाल दिया। तो रिजल्ट, जहां रिजल्ट आपका सक्सेस होगा वहां पे ट्रू आएगा। तो एंड जो है फॉर्मूला वो आपका जस्ट ट्रू एंड फॉल्स देता है। अगर आपका अपना रिजल्ट चाहिए तो आप इसमें क्या करेंगे, इफ का फॉर्मूला अपनाएंगे। इफ क्या करेगा कि इस ट्रू एंड फॉल्स को अपने रिजल्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, तो इफ का काम यही है जैसे लास्ट बताया था आपको कि जहां ट्रू आएगा वहां पे नंबर डालेगा, जहां फॉल्स आएगा वहां पे जो फॉल्स का नंबर डालेगा। जब बात हो मल्टीपल कंडीशन की तब कैसे करेंगे। मल्टीपल कंडीशन मतलब कि मैं एक रिजल्ट सीट बना रहा हूं, नेम यहां पे मैं अपने पर्सन के नेम दे देता हूं, और यहां पे सब्जेक्ट्स है। तीन सब्जेक्ट या चार सब्जेक्ट कर देता हूं, और यहां पे सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट है। एक मिनट रुकिए, मैं यहां पे रिजल्ट दे दिया। अब क्वेश्चन ये है कि सारे सब्जेक्ट में अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 40 आया या ग्रेटर देन 30 आया तो रिजल्ट हमारा पास होना चाहिए, अदरवाइज फेल होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है कि बी सी डी ई, ये जो चार अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इनके चार अलग अलग जो वैल्यू है वो वैल्यू ग्रेटर देन अगर 50 है, 30 है, तो रिजल्ट ट्रू एंड पास आना चाहिए। तो कई सारे कंडीशंस है, इसके लिए हम यहाँ पे एंड का इस्तेमाल करेंगे कि एंड बोले अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर वापस हमने इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर इसको सिलेक्ट किया बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और फिर एंटर प्रेस कर दिया। रिजल्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, जैसे मैंने बताया जो सारे कंडीशन मैच हो जाएंगे वहां पे ट्रू आएगा, जहां पे एक भी कंडीशन अगर मैच नहीं होगा वहां फॉल्स आएगा। ठीक है, अब इस ट्रू फॉल्स को मुझे पास और फेल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मैं यहां लगाऊंगा इफ का फॉर्मूला कि इफ एंड का रिजल्ट अगर ट्रू है तो यहां पे पास दे दे,
अदरवाइज फेल दे दे। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्लियर सर? मनोज जी, अभिनायक जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, नहीं सर, डाउट नहीं है। मनोज जी आपको? नहीं सर, एंड में तो सारी कंडीशन को आपको पास करना ही पड़ेगा, तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। आज इस एक कह सकते हैं कि एंड में हमारे पास अगर रिजल्ट ए हो, क्या बोलते हैं उसको, कंपल्सरी हो, रिक्वायर हो, तो एंड का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपके पास कंडीशन रिक्वायर्ड ना ऑप्शनल हो, जैसे कि मुझे, मैं एचआर कंपनी में काम करता हूं और डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट में मेरा काम है, तो मुझे पर्सन्स के नेम यहां दिए गए हैं और मुझे उनके आईडी प्रूफ को देखना है कि किसका आईडी प्रूफ जमा है और किसका आईडी प्रूफ नहीं जमा है। तो आईडी प्रूफ में ये हमें दिया गया है कि चार ऑप्शन में से एक लेना है, कि आप पैन ले सकते हैं, आप पासपोर्ट ले सकते हैं, डीएल ले सकते हैं और यूआईडी ले सकते हैं। ये चार आपको प्रूफ लेने हैं। अब मुझे यहाँ पे स्टेटस शो करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब हर पर्सन जो है, जरूरी नहीं है कि सारे डॉक्यूमेंट जमा करेगा, इसमें से कोई एक रिक्वायर है। अब किसी ने मान लीजिए कि पासपोर्ट जमा कर दिया और किसी ने पैन नंबर भी जमा कर दिया और किसी ने यूआईडी भी जमा कर दिया, दोनों दो जमा कर दिए, अरे कोई एक जमा कर गया, कोई दो जमा कर गया, कोई दो तीन जमा कर देगा। तो हम ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि हमें एक ही लेना है, हमें मिनिमम एक लेना है, मैक्सिमम वो ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। तो मुझे यहाँ स्टेटस पे ओके या पेंडिंग करना है। तो ओके किस केस में करना है, कि इनमें से किसी में भी वाई लगा हो तो ओके करना है, और पेंडिंग अगर किसी में भी वाई ना लगा हो तो मुझे पेंडिंग करना है। तो यहाँ पे और का एंड का अपोजिट और होता है, यहाँ और लगेगा, कि और अगर ए इक्वल टू वाई है कॉमा, दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, दैट इज इक्वल टू वाई, ठीक है, एंटर कर दीजिए। तो जहां पे होगा एक भी वाई वहां पे ट्रू आएगा, जहां पे नहीं होगा वहां पे फॉल्स आएगा। और ट्रू को आप ओके और पेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो इफ की मदद से, इफ यहां पे ओके और यहां पे पेंडिंग। समझ गए? हेलो जी सर, जी सर, ठीक है जी सर। इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारा थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो गया। मतलब कि अब मुझे यहां पे एक नहीं दो चाहिए। बोला गया कि पैन नंबर इज अ कंपल्सरी, पैन कंपल्सरी है, पैन में के अलावा कोई एक और चाहिए। जैसे बैंक्स वगैरह बोलती है कि आपको पैन नंबर देना जरूरी है, उसके अलावा एक और आपको प्रूफ देना होगा, कोई दो प्रूफ मांगते हैं वो लोग। तो यहाँ पे और भी है और एंड भी है। एंड है कि पैन नंबर होना ही चाहिए, और है कि इसमें से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एंड और को एक साथ मिक्स कर सकते हैं। एंड और एंड में हमने दे दिया कि दैट इज इक्वल टू वाई, और फिर इसमें हम और को देंगे कि और पास इक्वल टू वाई कॉमा डीएल इक्वल टू वाई कॉमा दैट इज इक्वल टू वाई। तो अगर मैं पैन नंबर वाई कर दूं फिर भी ट्रू नहीं होगा, जब तक कि इसमें से किसी एक पे वाई ना करूंगा। क्यों? क्योंकि एंड को चाहिए दो ट्रू,
एक ट्रू जो ए आएगा और दूसरा ट्रू जो पैन नंबर से आएगा, मैं सॉरी बाकी और से आएगा, और को चाहिए कोई एक ट्रू। तो जब और रिजल्ट ट्रू देगा तो दो ट्रू मिलके ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू दिखेगा। आप इसको फॉर्मूला एवलेट करें वरना ट्रू ट्रू में कंफ्यूजन ना हो। देखिए एंड ने क्या किया कि रिजल्ट होके ट्रू दिया, राइट। फिर और चला, एंड को एक ट्रू मिल चुका है, एक ट्रू और चाहिए इसको। तो और ने चेक किया कि मेरे अंदर कोई ट्रू है कि नहीं है, तो एंड के अंदर एक ट्रू मिला और के अंदर सॉरी। तो और क्या कहता है कि मेरे मेरे पास एक भी ट्रू होगा तो मैं रिजल्ट ट्रू दूंगा। तो इसने ट्रू दिया किसको? एंड को। तो एंड को दो ट्रू मिल गए क्योंकि दो ट्रू इसको चाहिए ही था, तो रिजल्ट इसने ट्रू दे दिया। आया समझ में मनोज जी? जी सर। अभिनायक जी आपको? जी सर ठीक है ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कर सर, इसी में यदि रिप्लेस कर दो और को और एंड को आपस में, तो फिर क्या कंडीशन बनेगी? और को एंड को, तो कोई एंड अगर आप उल्टा कर देते हो, मतलब आप एक चाहते हो ना कि ए एंड के जगह पे और आ जाए, तो फिर यहाँ एंड देने की जरूरत ही नहीं है। वो अगर पैन नंबर भी वाई आ जाएगा फिर भी वो ट्रू ही दिखा देगा। और जे अपन यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते तो एंड वाले जेड को, तो सर फॉर्मूला फिर गलत हो जाता ना, क्योंकि हमें एंड के अंदर में और डालना है ना। अगर आपने इसको डाल दिया तो दो फॉर्मूला हो गए, और सिस्टम पे एक ही कोई फॉर्मूला परफॉर्म होगा, दो फॉर्मूला परफॉर्म नहीं होगा, तो ये आपको एरर देगा। नहीं जैसे शुरू में अपन इफ लगा के उसको एंड में मैं इसको एंड को एक ब्रैकेट में डाल दें, उसको एक ब्रैकेट में डाल दें, नहीं ना डाल सकते। कंडीशन ऐसा नहीं है ना, कंडीशन हमारा कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। हमें रिजल्ट कब चाहिए? जब मुझे दो वाई मिले। ओके हाँ, तब करना है। वैसे कर देंगे तो बे ही गलत हो जाएगा ना। फॉर्मूला लिखने का तरीका है ना सर, तरीके के साथ चर्चा करेंगे तो रिजल्ट एक तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और एक्सेप्ट कर भी लिया तो वैल्यू एरर आएगा। तो जो तरीका है उसी तरीका से लगाना है ना हमको सर। समझ गए? इफ के अंदर में से क्या है, इफ के अंदर में एंड है, एंड के अंदर में और है, क्योंकि और रिजल्ट किसको दे रहा है? एंड को दे रहा है। एंड रिजल्ट किसको दे रहा है? इफ को दे रहा है। तो फाइनल रिजल्ट आपका इफ से आएगा, और इफ मेन फॉर्मूला हुआ, और एंड जो है सेकेंड फॉर्मूला हुआ, और थर्ड फॉर्मूला आपका और हुआ। तो और को इफ से कोई मतलब नहीं है, वो एंड को देगा क्योंकि वो एंड के ब्रैकेट में है, और एंड को इफ से मतलब है क्योंकि इफ के ब्रैकेट में है। तो अगर आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो फिर और बाहर हो जाएगा ना एंड से, फिर वो इफ को परफॉर्म करेगा, तो फिर इसको ट्रू या फॉल्स रखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ तो लॉजिकल टेस्ट एक ही चाहिए ना, दो नहीं चाहिए ना। जी जी हाँ, तो इसलिए सर। ओके, अब एक चीज और आता है कि मुझे दो रिजल्ट चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं ट्रांसफर ले रहा हूं, इसको बोलते एक्स और, तो मुझे यहाँ पे नेम हो गया, तो यहाँ पे मुझे दो सिटी चूज करना है, दो सिटी में से एक चूज करना है। मुझे बोला गया कि आपका दिल्ली ट्रांसफर हो सकता है या आपका जयपुर हो सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे स्टेटस दिखाना है, प्रॉब्लम यह है कि आप ना दिल्ली दे सकते हो, ना दिल्ली पे वाई कर सकते हो, या फिर जयपुर पे वाई कर सकते हो। दोनों पे वाई नहीं कर सकते हो, और दोनों को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला एक्स और। एक्स और क्या करेगा कि हमने यहां पे इक्वल वाई कर दिया, यहां पे इक्वल वाई कॉमा, इसको भी सेलेक्ट करके मैंने इक्वल वाई कर दिया। तो क्या हुआ, अब एक्स और क्या करेगा कि अगर फॉल्स आया, ये ट्रू कब होगा? जब उसको एक वाई मिलेगा, चाहे वो दिल्ली में मिले या जयपुर में मिले। अब इसमें तो हम ए भी लगा सकते थे ना और, लेकिन और नहीं होगा क्योंकि दोनों में अगर वाई हो गया तो भी फॉल्स होना है, क्योंकि दो चूज नहीं कर सकते आप, एक ही चूज कर सकते आप।
तो इससे कभी कंडीशन बने तो आप 100 ले। हालांकि ये कंडीशन बहुत कम मिलता है हमें यूज करने को, लेकिन इसका भी यूज कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे एक चीज और हम बताते हैं आपको, जब आपके पास कई सारे कंडीशन हो तब क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम है, अब नेम में बहुत सारे नेम मैं देता हूँ यहाँ पे। अब कंडीशन यहाँ पे आता है कि अगर एक कॉलन में इक्वल टू पूजा है तो मुझे ओके, नहीं है तो पेंडिंग करना है। अब एक कॉलन में कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप इफ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इफ जब आप लगाएंगे तो एक बार में एक ही कंडीशन एक ही सेल का एड्रेस लेगा, आप पूरा सेल एड्रेस नहीं दे सकते, ये देना गलत हो जाएगा। समझ गए? तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम इफ को अदर फॉर्मूले से लेंगे। जैसे कि हम ले लेंगे काउंट इफ का फॉर्मूला। काउंट इफ हमने इसको सिलेक्ट किया एंड कॉमा, पूजा को सिलेक्ट किया। अगर पूजा इसमें एग्जिस्ट करेगी तो रिजल्ट देगा 1, 2, 3 को नंबर देगा। तो मैंने बोला कि ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे ओके, अदरवाइज पेंडिंग। तो इसका भी ध्यान आप रखेंगे। समझ गए? समझ में आया कि नहीं सर आपको मनोज जी? तो दोबारा बताओ इसे, काउंट इफ पेवर काम में आता है? काउंट इफ जो हुआ वो क्या करता है कि एक सिलेक्टेड रेंज में किसी एक सेल वैल्यू को काउंट करता है कि ये वैल्यू इस सिलेक्टेड रेंज में कितना बार रिपीटेड है। तो उसने A2 से A9 तक चेक किया कि पूजा कितना बार है, जितना बार है उसका नंबर देगा। मैं दिखाता हूं आपको इवेलुएट करके, देखिए काउंट इफ ने पूजा को काउंट किया A2 से A9 में, रिजल्ट दिया 1। फिर इफ ने चेक किया कि 1 काउंट इफ का रिजल्ट क्या ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्रेटर। अब इसमें दो भी दे सकता है, क्योंकि अगर मान लो दो बार रिपीट होता था दो भी दे सकता था, इसलिए इक्वल टू 1 हमने नहीं किया, यहां पे हमने ग्रेटर देन 0 किया। तो यहां पे ओके देगा या पेंडिंग देगा। ठीक है सर जी, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने दिया, यहां जो दिया था एंड का इतना फॉर्मूला, तो मैं यहां पे सिंपलाइज करने के लिए मैं काउंट इफ भी दे सकता हूं कि अगर ए इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। ठीक है, तो रिजल्ट अगर होगा यहाँ पे तो ट्रू आया, तो मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा कि इफ काउंट इफ का रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे फिक्स है हमारा इक्वल टू 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे पास होगा अदरवाइज फेल होगा। समझ गए सर जी? इसका रिजल्ट दे सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर मान लो जी इसमें देना है कि 2 होना ही चाहिए, तो यहां भी मैं काउंट इफ का रिजल्ट दे सकता हूं कि काउंट इफ इस रेंज में अगर इक्वल टू y है तो दे, तो y का रिजल्ट आएगा 0 आया, मतलब कि y है नहीं। तो यहां पे कंडीशन दे सकते हैं आप कि इफ अगर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो ओके। तो आप एंड और की जगह पे काउंट इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। समझ गए? ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमें काउंट एंड की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा बात नहीं। जैसे यहाँ पे कंडीशन देखिए, आपका ये कंडीशन दिख रहा है आपको, अभी इस पे काउंट इफ काम नहीं करेगा क्योंकि इस पे दो कंडीशन है, लेकिन काउंट इफ की मदद से कर सकते हैं। लेकिन काउंट इफ आपको आगे सिखाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है सर, एंड और एक्स और तीनों समझ में आ गया जी? तो सर इस पे प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में हम आपको बताएंगे नेस्टेड इफ, मतलब कि कई सारे इफ एक सेल में कैसे लगाएंगे, जैसे ग्रेडिंग के लिए, इंसेंटिव के लिए,
इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए, आपको जो बिजली के बिल कैलकुलेट होते हैं स्लैब के, 200 यूनिट तक 5 रुपए कटे, 200 से 400 तक 7 रुपए कटे, ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम आपको कल की क्लास में बताएंगे। सर मैं क्लास भेजा था।